हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज एसके दास और आप देख रहे हैं दीवनी एम्प्लॉई, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड। तो गाइस, अगर आपको जॉब अप्लाई करना है, जो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना है, ऑफलाइन जॉब अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, ऑफलाइन कैसे किया जाता है, इन सारे चीज़ों की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर में भी इसी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड वीडियोज़ ही अपलोड होंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे आप जो है अपोलो फार्मेसी में किस तरह से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी जो पोजीशन है उन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, फिल करने के बाद किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो सारे तमाम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अगर आपको ऑनलाइन अपोलो फार्मेसी में जॉब अप्लाई करना है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैं स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको जॉब अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपोलो फार्मेसी में जॉब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे अपोलो फार्मेसी। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अपोलो फार्मेसी, इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक मिल जाएंगे आपका अपोलो फार्मेसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं apollopharmacy.in, तो ये वाला जो लिंक है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइस वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आना है, स्क्रॉल करके सीधा नीचे चले आना है पूरा डेड एंड तक। डेड एंड यानी जहाँ पे कहानी ख़त्म होने वाले होते हैं, तो वहाँ पे नीचे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है करियर्स का, तो ये वाला जो करियर्स का ऑप्शन है इसके आपको क्लिक कर देना है। करियर्स में क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए करेंट जॉब ओपनिंग्स लिखा हुआ है, तो कुछ और भी चीज़ें लिखा हुआ है, आप चाहे तो सारे चीज़ें आपको आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मेजरली चार चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद सिटी, जिस सिटी में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद जॉब का रोल, जो जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब में बहुत सारे रोल है, लाइक फार्मेसिस्ट हो गए, ट्रेनी हो गए, तो बहुत सारे जॉब रोल है, इसमें क्लिक करके मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर दिया महाराष्ट्र, और यहाँ पे देखिए जो एरिया है वो अंधेरी, और यहाँ पे देखिए सिटी जो है वो है मुंबई। तो अभी यहाँ पे बचा हुआ है जॉब का रोल, इसमें क्लिक करेंगे। जॉब रोल पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिल रहा है फार्मेसिस्ट, और यहाँ पे देखिए सीनियर फार्मेसिस्ट विथ PCI लाइसेंस। दूसरा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, और इसका क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं 10th पास है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फार्मेसिस्ट, और नीचे आपको मिलेगा ट्रेनी फार्मेसिस्ट, और नीचे आपको मिलेगा फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी AIDE। तो इन सारे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी भी जॉब में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जॉब को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फार्मेसी है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जॉब का जो रोल है वो सिलेक्ट कर दिया है ट्रेनिंग फार्मेसिस्ट। ऐसा आपको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली सर्च जॉब पे क्लिक कर देना है। सर्च जॉब पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो जो जॉब आपने सिलेक्ट किया है उसका डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग फार्मेसिस्ट हमने सिलेक्ट किया है, इसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डी फार्मा, बी फार्मा, अवेटिंग फॉर PCI लाइसेंस ओनली, और यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है वो फ्रेशर के लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे देखिए रेलिवेंट फार्मेसी रिटेल एक्सपीरियंस इफ एनी। तो फार्मेसी के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर रेलिवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन मैंने यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे आपको व्यू डिटेल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे व्यू डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल में सारे चीज़ें आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग फार्मेसिस्ट, और यहाँ पे नीचे आपको मिलता है जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको आराम से पढ़ लेना है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो हैंडलिंग करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो भी रहता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट,
और सेल्स का, ये सारी चीजें आपको दिखना पड़ता है। तो ये हर जगह आपको मिलेगा, अगर आप चाहे अपोलो फार्मेसी हो या फिर चाहे आप किसी अदर फार्मेसी में भी अगर आप काम करते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है। यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको आराम से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगे फैसिलिटीज में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जैसे कि पहले भी आपको बता दिया है जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, तो ये है डी फार्मा और बी फार्मा और या फिर अवेटिंग फॉर PCI लाइसेंस ओनली। तो ये सारे आपका जो एजुकेशन चाहिए वो चाहिए डी फार्मा बी फार्मा। उसके बाद नीचे आपको मिलता है एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं फ्रेशर और रेलिवेंट फार्मेसी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिंदास। नीचे आपको मिलता है स्किल्स, तो ये सारे चीज़ें, ये सारे जितने भी स्किल्स है वो आपके पास होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप डी फार्मा बी फार्मा अगर आप करेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज तो आ ही जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नीचे आके यहाँ पे जो अप्लाई नाउ बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला पेज आ जाएंगे। यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो भी मैंडेटरी चीज़ है वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप में सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पे भी आपको स्टार दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड वाला स्टार है, ये मैंडेटरी फील्ड होता है, यानी आपको यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा, ये आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फुल नेम है वो यहाँ पे डाल दिया है आकाश वर्मा। तो यहाँ पे मैंने देखिए, मैं आपको सिंपल दिखाने के लिए यहाँ पे आकाश वर्मा डाला है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों मिला के डाला है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं करना चाहते हैं उन लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप नाम डालते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही डालिए। तो ये ऐसा कैपिटल लेटर में डालेंगे तो अच्छा होता है। यहाँ पे अपना नाम डाल दिया आकाश वर्मा, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आपको जाना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। और नीचे जाना है, यहाँ पे आपको सेक्स यानी जेंडर, जो आप मेल फीमेल हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे वो आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, यानी जो भी आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड के हिसाब से मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है आपका यहाँ से सिलेक्ट कर देना है क्लिक करके। मेरे जो बी फार्मा है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आप जो है आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड CV या फिर रिज्यूमे, तो यहाँ पे आपको CV डालना है, CV या फिर रिज्यूमे आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से अपना जो भी CV वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। करने के बाद लेकिन यहाँ पे बहुत गड़बड़ी हो जाती है, क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो फाइल आप अपलोड करेंगे इसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओनली JPG यहाँ पे JPEG DOC DOCX PNG एंड PDF फाइल टाइप अलाउड लेस देन 10 MB। तो जो आप रिज्यूम में अपलोड करेंगे, जो भी अपना जो CV है वो अपलोड करेंगे, तो उसका जो साइज हो वो 10 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान पे रखना है, नहीं तो आपका जो CV है वो अपलोड नहीं होगा। नीचे जाना है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, इसका रीज़न आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ हायरिंग, तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप प्रेशर भी डाल सकते हैं। नीचे आपको जाना है और यहाँ पे आपको फार्मेसी रिटेल एक्सपीरियंस, अगर आपको फार्मेसी रिटेल में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक बॉक्स आता है, इसको क्लिक करना है। देखिए इस बॉक्स को क्लिक करने से पहले ये चीज़ आपको आराम से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हेयर बाई गिव माई कॉन्सेंट टू रिसीव जॉब अलर्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अपोलो फार्मेसी फॉर एनी करेंट फ्यूचर जॉब वैकेंसीज अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे टिकमा करना है। टिकमा करने का मतलब ये है कि मैं असहमति देता हूँ कि अपोलो फार्मेसी को आगे भी जो भी जॉब का इन्फॉर्मेशन रहेगा, करंट ओपनिंग रहेगा, फ्यूचर में भी जो भी वैकेंसी वगैरह रहेगा, उसके लिए जो अपोलो फार्मेसी है वो मुझे जॉब अलर्ट वगैरह भेज सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको फिल करके यहाँ पे जो सबमिट बटन है इसमें आपको क्लिक कर देना है।
जैसे गाइस यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे।